तो रामलाल जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, कुछ वो ट्रक में ही ट्रैवल करता था। तो ये बात है जब उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई थी, लाइक दिसंबर जनवरी की बात है। तो रामलाल जी उन्होंने ट्रक से डिलीवरी कर दिया जहाँ पे भी देनी थी, और वहां से अब वापस उत्तराखंड अपने घर की साइड वो आ रहे हैं। तो काफी एक्साइटेड थे, उनका प्लान था कि मतलब वही 7-8 दिन का मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर वापस जो डिलीवरीज ये सब करनी है वो कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, रामलाल का मूड काफी अच्छा था क्योंकि फाइनली वो घर आ रहे हैं और वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो आते आते उन्हें काफी लेट नाइट हो गई थी, लाइक रात के करीबन 1 बज रहा होगा जब वो आ रहे थे। हर जगह कोहरा ही कोहरा था, इतना कोहरा था उस दिन कि मतलब ढंग से दिख भी नहीं रहा था आगे क्या है। ठीक है, अब वो स्लोली आ रहे हैं कि तब उन्हें दिखता है कि जो एकदम खाई वाली साइड है ना, वहाँ पे एक औरत खड़ी है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है। वो एकदम से चौंक जाते हैं इस समय पर एक औरत, और वो भी ऐसी जगह मतलब एकदम सुनसान इलाके में, ना कोई घर ना कोई दुकान कुछ भी नहीं था। तो बड़े चौंक जाते हैं, वो धीरे धीरे ट्रक को आगे लेकर जा रहे हैं कि तब वो जो औरत होती है वो एक जगह खड़े होकर उन्हें ऐसे हाथ दिखाती है, मतलब लिफ्ट मांग रही है, और वो बोलती है कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, ऐसे चिल्ला के बोल रही है। तो रामलाल जी उधर रुक जाते हैं कि ठीक है, इतनी रात को कौन ही मदद करेगा औरत की, तो मैं कर देता हूँ। तो रामलाल जी बोलते हैं आप आइए बहन और आप बैठ जाइए, मुझे बताइए कहाँ पे आपको छोड़ना है। तो आते वो बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ी सी आगे छोड़ दीजिए, मेरे को बस अपने घर तक पहुँचना है और अभी बहुत रात हो चुकी है, तो चलकर जाना भी मतलब कोई ऐसे लिफ्ट भी नहीं मिल रही, बस भी नहीं आ रही, तो प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। रामलाल जी बोलते हैं बिल्कुल आप आइए बैठिए। रामलाल जी उन्हें बिठाते हैं और चल बढ़े। फिर रामलाल जी उन्हें पूछते हैं कि आप इतनी रात को कहाँ पर, मतलब आप क्या कर रही थी रात को यहाँ पर। जिस पर औरत बताती है कि मुझे मेरे घर पे जाना था, बट जो बस थी जिससे मुझे जाना था उससे मिस हो गई, और बस मिस होने के कारण मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। रामलाल जी पूछते हैं तो आपने दूसरी बस क्यों नहीं ली। तो वो औरत बताती है कि बस वो आखिरी बस थी जो इस समय आने वाली थी, उसके बाद कोई बस थी नहीं, अब तो सुबह आएगी और सुबह तक मैं क्या ही करती, तो मैं बस जा रही हूँ अकेले। रामलाल जी को बड़ा अजीब लगता है, रामलाल जी पूछते हैं तो आप जाना कहाँ चाहती हो एग्जैक्टली। जिस पर औरत कुछ नहीं बताती, बस वो यही बोलती रहती है कि थोड़ी सी आगे आप मुझे छोड़ दीजिए, थोड़ी सी आगे। रामलाल जी को अपने आंसर्स नहीं मिल रहे, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि थोड़ा सा आगे मतलब कहाँ पर कितनी आगे। रामलाल जी को अपने आंसर नहीं मिल रहे, उन्हें जानना है क्या कि ये औरत जाना कहाँ चाहती है, आई कहाँ से है, इतने टाइम में कर क्या, बट कुछ भी क्लियर आंसर नहीं दे, बस वो यही बोली जा रही थी कि बस मिस हो गई, आखिरी बस थी और ये वो, जब भी पूछो कहाँ आपको छोड़ना कहाँ एक्जैक्टली आप मुझे बता दो, मैं वहीं छोड़ दूंगा, बस थोड़ी सी आगे आप छोड़ दीजिए, ऐसे कर करके करीबन 1 घंटा हो जाता है और वो बस यही बोलती रहती है थोड़ी सी आगे। वेल फाइनली अब एक समय आता है जब वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मुझे यहीं पे उतरना है। रामलाल जी ट्रक रोक देते हैं कि अच्छा बहन आपको उतार देता हूँ। तो ट्रक रुका है और रामलाल जी ना ध्यान से आगे पीछे देखते हैं, अच्छा इस टाइम फॉग भी बहुत ज़्यादा है तो इतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा कुछ, बट रामलाल जी देखते हैं कि आगे पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक खाई जैसे नॉर्मल एक रास्ता होता है नीचे खाई, बस वही है, कुछ भी नहीं है ना आगे ना पीछे। बट हाँ जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ होता है, बड़ा सा एक विशाल पेड़। तो वो औरत उतर के उस पेड़ के नीचे चली जाती है। रामलाल जी देख रहे हैं, रामलाल जी पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे तो कोई घर भी नहीं है और आप सही जगह उतरे हैं, कि कोई मिस्टेक तो नहीं होगी आपसे कि आपको आगे कहीं छूटना हो आप यहाँ उतर जाए। जिस पर औरत कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। रामलाल जी उस औरत को देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ उतर गई है, ये ऐसी जगह क्या कर रही है। तब वो औरत एक अजीब सी चीज़ें करने लग जाती है, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर वो अपनी जो साड़ी होती है उसको ऐसे फाड़ देती है, मतलब एक साड़ी का पोर्शन फाड़ती है, उसको ऐसे पेड़ में फेंक के उसको फंदा टाइप बना देती है। रामलाल जी डर गए, ये कर क्या रही है, और वो रामलाल जी को देख के हंस रही है, बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही है, बहुत ऐसे डरा देनी टाइप स्माइल है वो, और उसे देख के हंसे जा रही है। रामलाल जी बहुत ज़्यादा डर गए, वो रोकना चाह रहे हैं लेकिन वो ट्रक से नीचे भी नहीं उतर पा रही क्योंकि इतने डर गए कि कर क्या रही है। वो बोल रहे हैं कि बहन तुम क्या कर रही हो, बहन ये क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो, तुम आओ वापस, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो सिर्फ हंसे जा रही है। रामलाल जी का बताना कि इस समय पर वो इतना ज़्यादा मतलब डर गए थे क्योंकि हाथ कांप रहे थे, वो ना ट्रक आगे बढ़ा पा रहे थे ना नीचे उतर के उसकी मदद कर, कुछ कर ही नहीं पा रहे, बस फ्रीज हो गया और वो बस बोले जा रहे हैं कि क्या कर रही हो, मत करो। और यही देखते देखते वो औरत उस जो उसने फंदा टाइप बनाया होता है उस फंदे के अंदर अपना गला डाल देती है और वहीं लटक जाती है, वहीं वैसे झूलने लग जाती है। और वो फिर भी पूरा झूलने के बाद भी रामलाल जी को देख के हंस रही है, वो बहुत जोर जोर से हंस रही है, उसके हाथ पैर पूरे ऐसे तड़प रहे हैं, लड़की के पूरे तड़प रहे, जैसे सांस नहीं आती तो कैसे तड़पते हैं, बट जो उसका चेहरा होता है उसमें बिल्कुल भी तड़प की मतलब एक शिकंज भी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा हंस रही है सिर्फ, और हाथ मतलब आप सोच सकते हो कि कोई ऐसे पूरा लटका पड़ा है, वो ऐसे हाथ उसके हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, पूरे शरीर हिल रहा है, बट चेहरा हंसे जा रहा है। रामलाल जी समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, और अगर नॉर्मल औरत भी है तो ये केस नॉर्मल नहीं है। रामलाल जी उसी टाइम ही से अपना ट्रक फुल स्पीड में वहाँ से भगा देते हैं, वो उन्हें कोहरा होता है कुछ आगे दिख भी नहीं रहा होता, बट स्टिल वो बहुत स्पीड में अपना ट्रक वहाँ से भगाते हैं। और रामलाल जी के पसीने छूटे पड़े, रामलाल जी को समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या देख लिया, 1 घंटे से जिस औरत के साथ वो बात कर रहे थे क्या वो सच में औरत थी, और अगर औरत नहीं थी तो क्या थी, क्या उसकी दिमागी जो हालत थी वो सही नहीं थी, या फिर वो कोई प्रेत आत्मा, ये सब सवाल रामलाल जी के दिमाग में घूम रहे हैं। और जितना वो सोच रहे हैं उतना ही वो डर रहे हैं, उतना वो कांप रहे हैं, मतलब इतनी ठंड में भी उनके पसीने निकल रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो ट्रक को कैसे तो करके आगे तक लेकर जाते हैं, और जब आगे लेकर जाते हैं तो उन्हें एक चीज़ दिखती है, जब ट्रक धीरे धीरे आगे जा रहा है तब उन्हें दिखता है आगे सेम वही औरत खड़ी है, और वो ऐसे हाथ दे रही है, और वो रामलाल जी को बोल रही है भैया आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या, प्लीज़ अब आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे। और रामलाल जी पागल हो गए हैं ये देखकर, वो औरत जिन्हें उन्होंने लिफ्ट दी थी, वो औरत जो उस पीछे पेड़ में लिटरली वो फंसी का फंदा लगा के झूल रही थी, हंस रही थी, वो रामलाल जी से पहले आगे आ चुकी है
और फिर से लिफ्ट मांग रही है, फिर से बोल रही है कि आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। रामलाल जी इस बार नहीं रुकते, वो समझ गए कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि कोई आत्मा है, कोई स्पिरिट है। रामलाल जी फिर अपनी ट्रक को बस भगा रहे हैं और उन्होंने भगवान के गाने लगा दिए और वो बस ट्रक भगाया जा रहा है। और थोड़ी देर मतलब आधा एक घंटा हुआ होगा, करीबन 3 बज चुके हैं, तब उन्हें फिर से एक औरत दिखती है जो कि ऐसे बैठी हुई है और हंस रही है, बहुत जोर जोर से हंस रही है। रामलाल जी अपने ट्रक वहीं रोक देते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या वो उस औरत के सामने से उस ट्रक को लेकर जाए या बस पीछे मुड़ जाए, वो भाग जाए। रामलाल जी को इतना पता था कि वो ट्रक के बाहर तो नहीं उतरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने ट्रक रोका हुआ है और वो औरत वहीं पे ऐसे सर झुका के हंस रही है बहुत जोर से हंसे जा रही है। रामलाल जी बिल्कुल भी मतलब इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा तो कर क्या रहे हैं, उनके हाथ खुद ही मतलब ऐसा रहता है उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ही नहीं है। रामलाल जी को इतने ज़्यादा डर गए थे, खुद ही कॉल मिला रहे हैं, यहाँ वहाँ हॉर्न बजा रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइट मार रहे हैं, कभी ट्रक आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उस लड़की कैसे सामने से ट्रक लेकर जाए, तो वहीं रोक दे रहे हैं, पीछे लेकर जा रहे हैं ट्रक, कुछ समझ नहीं आ रहा। वेल थोड़ी देर बाद वो औरत उठती है और वो रामलाल जी के पास आने लग जाती है धीरे धीरे। रामलाल जी वो हॉर्न बजा रहे हो, कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं ऊपर से चढ़ा दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं चढ़ा दूंगा आपके ऊपर से ट्रक, बट वो औरत बिल्कुल नहीं सुन रही। धीरे धीरे रामलाल जी के पास आ रही है, तब रामलाल जी का सबर का बांध टूट जाता है, या यूं कहूँ कि वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो अपने ट्रक को उस औरत के ऊपर से ही चढ़ा कर ले जाते हैं। बट जब वो उसके ऊपर से अपना ट्रक चढ़ाते हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान के ऊपर से चढ़ा या कुछ, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो आर पार हो गया ट्रक उस औरत के। वेल ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो बस भगवान के गाने, वो हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं और बस ट्रक को भगा रहे हैं। अब जो उनका घर है वो करीबन 2 घंटे दूर है, मतलब अगर अभी 3:30 बजे तो 5:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। उन्हें बस ये 2 घंटे सर्वाइव करने, उन्हें बस ये है कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊँ और मुझे वो औरत ना दिखे, बट ऐसा नहीं होता। जब वो डर के ट्रक चला रहे और आगे पीछे ढूंढ रहे कि कहीं वो औरत ना दिख जाए, कहीं वो औरत ना दिख जाए, तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो उनके कानों पर आकर बोलती है कि आप मुझे बस थोड़ी सी आगे छोड़ दें। रामलाल जी वहीं फ्रीज हो जाते हैं, वो मुड़ नहीं पा रहे, वो बस कैसे तो करके हिम्मत करके थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि वो औरत वहीं बगल वाली सीट में बैठी हुई है और वो रामलाल जी को देखकर कह रही है कि अब बस मुझे थोड़ी सी आगे छोड़ दे। रामलाल जी बहुत जोर से चिल्लाते हैं, रामलाल जी वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह के 5-6 बजते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं और तब रामलाल जी की आँख खुलती है। रामलाल जी सबको बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, एक औरत मिली थी, वो ये वो। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई है, ये वो जो रोड था वो बहुत रिस्की टाइप रोड था, मतलब उसके कर्व्स जो थे बड़े शार्प टर्न थे वहाँ पे, तो कई बार वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है, कई बार मतलब गाड़ियाँ पलटी है, बहुत कुछ हुआ है। तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आम हैं, थोड़ी दिख जाती हैं, तो आपके साथ भी वही हुआ है, बट आप चिंता मत करें, सुबह हो चुकी है, आप आराम से रेस्ट करें थोड़ा सा। लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो कुछ लोगों के पास खाना वाना होता है, वो खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो रामलाल जी के साथ ही वहीं पर थोड़ी सी बातें करते हैं। पहले पानी पीने के बाद, बातें करने के बाद अब रामलाल जी थोड़े से ठीक होते हैं, ऑल्दो उनके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है जो उनके साथ रात को हुआ था, जो उन्हें दिखा था, बट वो अपने आप को लकी समझते हैं कि उनको कुछ हार्म नहीं हुआ। मतलब बहुत कुछ हो सकता था उस टाइम, जब वो ऐसे एकदम बेहोश हो गए तो ट्रक नीचे गिर सकता था, वो औरत उन्हें हार्म कर सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, बट कुछ भी नहीं हुआ। और रामलाल जी का ये सोच रहे हैं कि वो सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान जी के गाने लगाए हुए थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं भगवान जी ने ही उनकी मदद करी है। वेल जब ये सब हो जाता है तो रामलाल जी फिर ट्रक चलाते हैं, फिर उसी घाटी से अपने ट्रक को लेकर जाते हैं। ऑल्दो डर अभी भी उनके अंदर है कि कहीं अपना दिख जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वो हर जगह देख रहे हैं ट्रक के पीछे की साइड, पीछे वाले मिरर में, साइड वाले मिरर में, हर जगह देख रहे हैं कि कहीं अपना दिख जाए, बट अब सुबह हो चुकी है, वहाँ पे लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा मतलब रामलाल जी को भी हिम्मत आ चुकी है। वेल जो 5:30 बजे पहुंचने वाले थे वो 8:30-9 बजे घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उनसे मॉम, जो उनकी मम्मी जी होती है, वो पूछती है कि बेटा इतना लेट क्यों ये सब। रामलाल जी अपने घर पे सब बताते हैं, सब बहुत डर जाते हैं सुनकर, और बस यही सोचते हैं कि जो भी हुआ भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ।